हमारे हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिटिल दीपा लव टू डू? लिटिल दीपा को क्या करना पसंद था? लिटिल दीपा लव्ड टू जंप, टू क्लाइम द ट्रीज एंड टू प्ले विद हर सिस्टर। उसको उछलना कूदना, ट्रीज पे चढ़ना और अपनी बहन के साथ खेलना पसंद था। व्हेन डिड दीपा स्टार्ट लर्निंग जिम्नास्टिक? दीपा ने जिम्नास्टिक सीखना कब शुरू किया? ये रहा इसका आंसर, एट द एज ऑफ 5, जब वो 5 साल की थी तब दीपा स्टार्टेड लर्निंग जिम्नास्टिक। तो दीपा ने जिम्नास्टिक सीखना शुरू किया, तो आंसर है एट द एज ऑफ द 5 दीपा स्टार्टेड लर्निंग जिम्नास्टिक। व्हाई वॉज दीपा स्केयर्ड व्हेन शी स्टार्टेड टू लर्न जिम्नास्टिक? जब उसने जिम्नास्टिक सीखना शुरू किया तो वो क्यों डरी हुई थी, अफ्रेड थी वो? दीपा वॉज स्केयर्ड व्हेन शी स्टार्टेड टू लर्न जिम्नास्टिक बिकॉज शी न्यू वन रॉन्ग स्टेप कुड मीन अ बैड फॉल। अगर उसने एक भी गलत स्टेप उठाया, कदम उठाया, तो उसमें वो गिर जाएगी, विच कुड लीड टू अ ब्रोकन लेग और एन इंजर्ड बैक। ऐसा करने से, एक गलत स्टेप उठाने से उसकी टांग टूट जाएगी या उसकी कमर पे भी चोट लग सकती है। बैक मतलब यहाँ कमर है। व्हाट अवार्ड डिड दीपा विन? दीपा ने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं? आंसर है, शी हैज वन इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, जैसे खेल रत्न और पद्मश्री। खेल रत्न और पद्मश्री जैसे उसने इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट एनी टू डिफिकल्टीज विच दीपा फेस्ड ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस? अपनी प्रैक्टिस के दौरान दीपा को क्या प्रॉब्लम फेस हुई, क्या प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आई? दो डिफिकल्टीज दीपा ने फेस की, व्हेन शी डिड नॉट हैव राइट स्पेस टू ट्रेन और द राइट इक्विपमेंट टू प्रैक्टिस ऑन। पहली प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास जैसे जिम्नास्टिक को जितनी जगह चाहिए अपनी ट्रेनिंग के लिए उतनी जगह नहीं थी, और जो जो इक्विपमेंट चाहिए मीन्स जैसे बार होते हैं वो सब उसके पास नहीं थे। हर मसल्स वर नॉट वेरी स्ट्रांग, उसकी मसल्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर स्ट्रांग नहीं थी, एंड कॉज अ प्रॉब्लम इन द वे शी रैन। और जब वो दौड़ती थी तो उसको प्रॉब्लम होती थी मसल्स वीक होने की वजह से, वाइल शी लैंडेड ऑन हर फीट ड्यूरिंग द जंप्स। और जब वो दौड़ती थी और राउंड करके इसमें दोबारा से लैंड करते हैं ना उछल के, तो तब उसे उनमें उसके पाँव में प्रॉब्लम होती थी। ये देखो, ये है ना, इस पे उछल के फिर ऐसे राउंड लेके यूं नीचे लैंड करना और यहाँ दौड़ना, इसमें दौड़ने में और यहाँ फिर नीचे लैंड करने में उसे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं था और प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट भी नहीं थे। नेक्स्ट आपका आरटीसी है, दिस ऑफन मेड हर मूडी एंड एंग्री। ये अक्सर उसको मूडी और एंग्री बनाता था। हु इज बींग स्पोकन अबाउट हेयर? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ? दीपा कर्माकर के बारे में। तो यहाँ हर रेफर्स टू दीपा कर्माकर, या स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है, व्हाई वॉज शी मूडी एंड हंगरी? मूडी और हंगरी क्यों हो जाती थी? शी वॉज मूडी एंड हंगरी बिकॉज आफ्टर प्रैक्टिस हर बोन्स एंड मसल्स यूज टू हर्ट। जब वो प्रैक्टिस करती थी तो उसके बाद उसके मसल्स और बोन्स पे दुखते थे, मतलब चोट लगी होती थी या उसके दुखते थे, हर्ट हो जाते थे, इसलिए वो मूडी और हो जाती थी। नेक्स्ट है, व्हाट दीपा डिड इट? दीपा ने ये कर दिया। व्हाट डिड दीपा डू? दीपा ने क्या किया था? तो दीपा परफॉर्म्ड या डिड, यहाँ पे डिड भी लिख सकते हैं, दीपा डिड अ वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस जिम्नास्टिक मूवमेंट। बहुत डिफिकल्ट और एक जिम्नास्टिक मूवमेंट होती है, बहुत डेंजरस और डिफिकल्ट उसने वो की थी, जिसे प्रूडोनोवा वॉल्ट कहते हैं। What was special about what she did? जो भी उसने ये मूव की थी ना डिफिकल्ट सी डेंजरस, उसके बारे में क्या स्पेशल बात की? उसके बारे में स्पेशल बात ये थी कि जो वर्ल्ड में सिर्फ 4 औरतें हैं जिन्होंने ये सक्सेसफुली किया है, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड ओनली 4 अदर वुमेन्स इन द वर्ल्ड हैज़ बीन एबल टू डू इट सक्सेसफुली। यही इसके बारे में स्पेशल बात